प्याज की पकौड़ी टमाटर की चटनी, अगर तू प्यार से कह दे पगली कि मैं बन जाऊंगी तेरी सजनी, तो कसम से मैं भी बन जाऊंगा गजनी। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। दिल की दुनिया तुम्हारे संग बनाएंगे हम, अगर तू कह दे कि प्यार हो गया हमें आपसे, तो मैं चांद तारों को भी तोड़ लाएंगे हम। ये व्हाट्सअप गाइस, बनास का बिंदास राउंड, विशाल फिर से आज रही नई वीडियो के साथ। यार आज मैंने प्रैंक किया ईसा को, प्रैंक ऑन इंस्पेक्टर डाटर, यार जबरदस्त प्रैंक किया, आपकी काफी डिमांड आ रही थी तो मैंने। और हाँ गाइस, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, विशाल बनारसी मेरी इंस्टा आईडी है। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, लव यू ऑल। वो आ चुकी है, ईसा आ चुकी है, वही जो गाड़ी से आ रही है ना, वही बंदी है ईशा है, वही गाड़ी उधर पार्किंग में लगा रही है बंदी, उसी के ऊपर कैमरा लगा लेना ठीक है। हाँ बेटा आज देख ना पाए बस, आज उसके ऊपर प्रैंक सक्सेस करना है, काफी डिमांड आ रही है। ओए होए क्या बात है, आज कत्ते ही जहर लग रही हो। थैंक यू यार, थैंक यू बोलने की आदत नहीं छोड़ोगी क्या? सही, मेरी तारीफ करते हैं तो मैं जितनी बार थैंक यू बोलूं कमी होगा मेरे ख्याल से। प्यारे कहीं प्यार तो नहीं हो रहा है? समझो आप। मौसम बड़ा सुहावना है यार। हाँ, क्या मस्त अभी बारिश हुई थी कुछ देर पहले। हाँ, बड़ा रोमांटिक। मैं जब आई तो बंद हो गई। हाँ तो इसलिए बंद हो गई ना कि तुम आ जाओ आराम से हमसे मिलने के लिए। भगवान भी सोचे, भगवान भी चाहते हैं कि भगवान, हाँ हमारा मिलन हो जाए। अच्छे सोचा, तो बारिश होती तो मैं आती नहीं। वही ना, अभी क्या है कि एक्चुअली क्या है ना, अभी तुम आ रही, अभी तुम आने में थोड़ा सा लेट कर दी। एक्चुअली हम खा रहे थे यहाँ पे प्याज की पकौड़ी ठीक है, अकेले खा रहे थे तो वहाँ पे जाए तो पकौड़ी खा रहे थे। कुछ तुम्हारी अभी खिलाएंगे ना तुम्हें चल के? अच्छा। हाँ अभी बना रहे होंगे वहाँ पे, चलेंगे अभी खाएंगे अपन। दो मिनट तो बैठ तो जाओ यहाँ पे। हाँ। अभी मेरा दोस्त आ रहा है ना, उसके साथ भी चलते हैं, अभी वो भी आने वाला है ठीक है। तो वो जो पकौड़ी खा रहे थे तो हमें एक बात याद आई कि देखो क्या है कि प्याज की पकौड़ी टमाटर की चटनी, प्याज की पकौड़ी टमाटर की चटनी, अगर तू प्यार से कह दे पगली कि मैं बन जाऊंगी तेरी सजनी, तो कसम से मैं भी बन जाऊंगा गजनी। क्या? हाँ यार तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है, तब से बहुत परेशान चल रहा है यार। कोई नहीं, दूसरा पैचअप कर लेना वापस। पैचअप? वो चली गई किसी और के पास। किसी और के पास चली गई यार, वो छोड़ दी हमें। और तुम्हें पता ही है जब से तुमसे मिले हैं ना, उससे पहले से ही मेरा ब्रेकअप चल रहा है उससे, काफी दिन से हम परेशान हैं इस चीज के लिए। तो अब क्या चाहते हो, मैं आपके लिए घूम के दूँ? काफी दिन से तुम्हें लगाव सा हो गया, मैं तुम्हें पता ही है मैं लगाव सा हो गया, बट तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती एक्सेप्ट करना। अरे यार देखो क्या है कि दिल की दुनिया तुम्हारे संग बनाएंगे हम, दिल की दुनिया तुम्हारे संग बनाएंगे हम, अगर तू कह दे कि प्यार हो गया हमें आपसे, तो मैं चांद तारों को भी तोड़ लाएंगे हम। चाहिए तोड़ लाइए। तोड़ लाए? हाँ। फिर प्यार कर लोगे? पहले लाख के दो हाथ में, फिर हम प्यार कर लेंगे। एक चीज तुमने बड़ा गलत किया यार। क्या? तुम्हें पता था आज मेरे पापा का बर्थडे है, तुमने विश भी नहीं किया। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बोलना यार, कम से कम जो मैंने स्टोरी लगाई थी उस स्टोरी को तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि नहीं पापा का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे करके कुछ बोलना चाहिए था, तुमने बस सीन किया, कुछ रिप्लाई नहीं दिया था मेरे पापा को। सॉरी, मैंने जल्दी जल्दी देख ली होगी। और वैसे नहीं, मैं हम लोग आज मिलने वाले थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं आके विश करूं। अच्छा अच्छा, तो क्या है कि मेरे पापा को चाहती थी, मैंने इसलिए विश नहीं किया। अच्छा, इसलिए नहीं विश किया। देखो क्या है कि मेरे पापा का आज बर्थडे है ठीक है, तो ये पता है कि मैं मेरे पापा के लाडले हैं ठीक है, ये तो पता है अच्छे से तुम्हें, बहुत लाडले हैं ना। तो एक्चुअली क्या होगा ना, मेरे पापा का आज बर्थडे है, तो क्या सोच रहे हैं ना कि आज उनको सरप्राइज देना है। अच्छा। चलोगे साथ में सरप्राइज देने? क्या हो गया? मैं क्या हो गया ऐसे क्यों सोच रहे हो, सरप्राइज देने चलना है वो तुम्हारे बिना अधूरा है वो सरप्राइज। अच्छा हाँ ना, ठीक है फिर चल लेंगे। चलोगे ना? हाँ, तो देखो क्या है उसमें करना क्या है, पापा का मेरा बर्थडे है, केक कटेगा ना, तो वहीं पे जाके पापा को बताएंगे, पापा की देखो ये जो ईशा है ये हमारी गर्लफ्रेंड है। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? क्या नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आज मेरे पापा का बर्थडे है, देखो क्या है पापा को सरप्राइज देना है। गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड। नहीं फ्रेंड नहीं, हम पापा को सरप्राइज, फ्रेंड बताएंगे तो फिर कौन सा सरप्राइज होगा उनको। देखो क्या है पापा की जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, उनकी इच्छा है कि नहीं उनकी एक प्यारी सी बहू आ जाए उनके घर पे ठीक है। प्यारी तो बहुत 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 प्यारे प्यारे लोग होते हैं, तो क्या बट देखो क्या है कि जो मेरे पापा, हाँ बहुत सारे प्यारे लोग हैं, बट पापा की जो पसंद है ना वो हमारी पसंद है ठीक है, तो हमारी पसंद तुम हो तो उनकी, यानी हमारी पसंद।
मैं कब हुई? हाँ, मैं यार इतने दिन से इतना दिल से लगाव हो रहा है, तुमसे बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे ना दिल तोड़ो हमारे। अलग बात है। अलग बात है? हाँ। क्यों अलग बात है यार? देखो ऐसा ना दिल तोड़ो, देखो क्या है मेरे पापा की जो है वो है ना कि देखो मेरे पापा की पसंद तुम हो, ठीक है, और उनका बर्थडे आ रहा था, हम सोचे बर्थडे पे एक तरह से तुम गिफ्ट की तरह उनके लिए हो जाओगे ना। क्या हो गया? नहीं यार देखो बड़ा दर्द हो गया, इंटरेस्ट नहीं है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। देखो क्या है, तो फ्रेंड तो हम लोग अच्छे हो गए, अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तुम्हें पता है मेरे बारे में कि नहीं, मेरे पास सब कोई रहेंगे भी, बट तुम्हें पता है सब कुछ हो चुका है हमारी, सब कुछ बातें तुम्हें पता हो चुकी है कि नहीं मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इस टाइम मेरा ब्रेकअप हो चुका है, सब तुम्हें पता है, पता है ना। तो देखो क्या है कि अब इतने दिन से तुम्हें बात कर रहे हैं ना, तुमसे लगाव सा हो गया है, ठीक है, तो आपको जिससे लगाव होता है आप उसको गर्लफ्रेंड बनाते हैं? नहीं, लगाव जिससे, हर लड़के से लगाव नहीं था, हर लड़के से बस एज ए फ्रेंड बात करते हैं, बट तुमसे दिल की आवाज़ आ रही है, अब जो बोल रहे हैं ये सच्चाई है। देखो क्या है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े हैं, तुम्हारी बात ही अलग है, दिल तुम्हें ही देंगे भले ही जात अलग है। किसी प्रॉब्लम है हमारे ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि फ्रेंड को बॉयफ्रेंड बना देंगे तो वो बात अलग हो जाएगी। अरे यार देखो क्या है कि देखो बॉयफ्रेंड बनने से पहले यदि पहले गुड फ्रेंड बनना जरूरी होता है, ठीक है, और तो वो तो हम है ही हैं, अच्छे दोस्त हैं ही हैं, बहुत अच्छे हैं। तो देखो क्या है कि अब तुम्हें पता है कि कितने दिन, कितनी बार, पिछली बार जब प्रैंक किया था तुम्हें याद होगा, पिछली बार भी 10 से 15 दिन पहले किया था, तो उस टाइम प्रैंक नहीं था, वो दिल की आवाज़ थी। प्रैंक तो नहीं? अरे यार आज कोई प्रैंक नहीं है यहाँ पे, इस शाम के टाइम कोई प्रैंक करता है यार? आज सब छुट्टी पे है, मेरे कैमरा पर्सन वगैरह सब बंद है, ठीक है, आज पापा का बर्थडे था तो हमने सबकी छुट्टी कर दी, कैमरा पर्सन जो भी है, जितने भी लोग आते हैं सबकी छुट्टी कर दी, ठीक है। तो आपने आज मुझे क्यों बुलाया? बुलाया इसलिए पापा को सरप्राइज देना है ना कि तुम पापा के लिए एक परी हो, ठीक है, हमारी पसंद हो, तो पापा को हमें ये सरप्राइज देना है। पापा के शेर अपने, हाँ तो हमारे पापा के शेरनी हो जाओगी ना फिर, ठीक है, तो हमारे भी पापा के वही तुम बन जाओगे, ठीक है। पर देखो क्या है कि उनको सरप्राइज देना है तो तुम्हारे, तुमको हमारे घर चलना पड़ेगा, ठीक है, चलोगी ना? सही में चला जाए? किससे आए हो? गाड़ी से आए हो ना? अच्छा, गाड़ी पार्किंग लगाए हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लगाए हो तो चला जाए घर पे, सही बता रहे हो ना? अच्छा घर पे चलना पड़ेगा, और ये भी बता देना, घर पे बता देना कि मम्मी मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है विशाल, ठीक है। एक मिनट, नहीं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं है, तो पापा को यही बताएंगे ना, पापा आपकी बहू है ये, आज उनको सरप्राइज देना है ना। बोल के मिला दो। क्या? फ्रेंड बोल के मिला दो, गुड फ्रेंड बोल के। अरे यार ऐसे ऐसे बोल के मिला दो, बेस्ट फ्रेंड बोल के मिला, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, दुनियादारी सारी फ्रेंड आ चुकी है, बट कोई ये गर्लफ्रेंड बन के नहीं गई हमारे घर पे ना। वो जो थी वो आपकी थी, बट वो घर वालों को नहीं पता था ना, घर वालों को तुम्हारे देना चाहिए था, हा? बता देना चाहिए, नहीं बताया था ना यार, यही तो गलती की हमने, नहीं अच्छा हुआ नहीं बताया था यार, देखो बाद में ब्रेकअप हो गया, देखो किसी और लड़की के पास चली गई वो बंदी, काफी दर्द हो रहा है, काफी हर्ट हुआ इस चीज से हमें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बट अब तुम हमारे लिए लाइफ में बता रहे हो, तुम्हारी बात ही अलग है, ठीक है, बोले ना अरे हम तो कि दिल तुम्हें ही देंगे भले ही जात अलग है, हमें अब पापा के पास जाना, सीधे बोल देना उनको सरप्राइज देना, पापा आज आपके बर्थडे का गिफ्ट यही है, यही आपकी बहू है, पापा नहीं बहू नहीं बहू बनना पड़ेगा यार, बहू नहीं, आप फ्रेंड बोल के लाइए, हम मिलेंगे। फ्रेंड तो देखो बहुत सारे लड़के आए हैं आज दोस्त बन के, बट कोई गर्लफ्रेंड बन के नहीं गया ना, उनको बोलिए कि वो आपकी, देखो मेरे पापा के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रही हूँ, मेरे पापा की पसंद नहीं, बहू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में तुम, अच्छा हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, मैं बहू बनने लायक नहीं हूँ, लायक नहीं हो तुम, हमारे लायक हो यार, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इतना सारी फीलिंग्स दिल की बात बता दी, अब तुम्हें इस बात में अब क्या रखा हुआ है यार, ना मैं बहू बनने लायक हूँ ना मैं गर्लफ्रेंड बनने लायक हूँ, एक भी क्वालिटीज नहीं है मेरे में। क्यों? क्योंकि ना मेरे को खाना बनाना आता है और ना मेरे को बातें बनाना आता है। कोई बात नहीं, सब चलेगा, हमारे यहाँ भाइयाँ आती हैं, ठीक है, उसकी टेंशन ना लेना कभी तुम। हाँ पर फिर भी हम बस तुम अपनी फिटनेस का ध्यान, बहू का रोल होता है वो मेरे में एक भी क्वालिटी नहीं है। बहू के क्या करोगे, कहीं और जा किसी और घर पर रहोगे क्या? जैसे शादी हो रही है हमारे यहाँ, किसी और घर पे रहोगे फिर? नहीं। फिर तो शादी नहीं करनी है मैं। क्यों नहीं करोगे यार? देखो क्या है कि हम तुम्हें कितने बार बता दिए यार, देखो क्या है कि पढ़े हैं बहुत लोग पढ़े हैं, बट तुम्हारी बात ही अलग है ना, दिल तुम्हें ही देंगे भले ही जाता अलग है, अभी दिल तुमको दे चुके हैं यार, तुम उस चीज को एक्सेप्ट करो यार। एक दिल है मेरे पास ऑलरेडी और मैं दो दो दिल नहीं संभाल सकती। देखो क्या, उसमें हमें जगह चाहिए, वो नया दिल नहीं है, उसमें थोड़ा सा जगह चाहिए तुम्हारे दिल में, हमें उस चीज़ को बनाओ, तुम एज अ फ्रेंड नहीं है, एज अ बॉयफ्रेंड हमें बनाओ। और देखो क्या है, अब इतना सब कुछ बता दिया, मेरे पापा का आज बर्थडे है, तो तुम
एक छोटा सा काम नहीं कर सकती यार? क्या यार, तुम बस पापा को बताना है कि पापा की ये बहू है, तुम्हें पता है, तुम्हें दिल तो दे चुके हैं, सब कुछ पता है यार। तुम्हें अच्छी खासी बातें होती हैं, दोस्ती हो गई है ना, तो इस दोस्ती को मैं रिश्ते में बदलना है। बस आज चल के हमारे पापा को एक सरप्राइज देना है, बताना है उनको कि नहीं तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो चुकी हो। मैं चली तो जाऊंगी, पर फिर मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे? हमारे पेरेंट्स अगले दिन अपने पापा को लेके आएंगे तुम्हारे घर। सही में तुम्हें अच्छे, तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं क्या? मैं अच्छा नहीं लगता? अरे बहुत है। देखो क्या है, तुम्हें पता है हम भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम्हें पता है, बातों से ही पता चल गई है कि नहीं, कुछ तो फीलिंग्स है, भले से तुम सामने से सो नहीं कर रही हो, बट आज चल के मैं पापा से कर रही हूं, वॉशअप करती हो तो फिर यार क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? पापा के पास बस जाना है, बता देना है, वो भी खुश तो जाएंगे यार, वो कभी ऐसे नहीं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। ठीक है, किसके पापा? मेरे पापा। तो मेरे पापा मतलब हमसे प्यार करते हैं, तो यानी अपनी बहू से तो करेंगे, उस जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बस तुम्हें चलना है। ठीक है, देखो क्या है, तो पापा की लाडले हम हैं ही हैं, तो तुम पापा की लाडली हो जाओगे। ठीक है, नन्ही सी कली मेरी लाडली, लाडली। हाँ, तो मेरे भी पापा की लाडली तुम्हें बनाना है, तो आज चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे घर। चलो अभी शाम हो गई है, बस एक केक कटा के चले आना, फिर तुम्हारे घर कल हम चलेंगे, पापा को लेके चलेंगे। ठीक है, आ जाओ गाड़ी। अच्छा, तुम अपनी गाड़ी चलोगे, हम अपनी गाड़ी चल रहे हैं। ठीक है, पर एक बात बताया तुम्हें कि वो देखो उधर कोई, वो चना वाला कोई दिख रहा है उधर? चना वाले के बगल में कोई दिख रहा है? अभिषेक दिख रहा है कैमरा लेके? आज भी तुम्हारे साथ एक प्रैंक था, आज मेरे पापा का बर्थडे नहीं था, मैंने स्टेटस बस लगा के रखा हुआ था। आज मेरे पापा का कोई बर्थडे नहीं था, बस तुम्हें दिखाना था कि मेरे पापा का बर्थडे आज, कहानी मैंने रची थी ये कि नहीं पापा का बर्थडे है, उसको बुलाएंगे, लेके चलेंगे घर पे। मेरे पापा का आज कोई बर्थडे नहीं था, सॉरी। बट नाराज मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हें नाराज तो नहीं हुए, गुस्सा तो नहीं हुआ। ये जो बात थी वो दिल की है, वो जारी रहेंगी हमारी बातें, बट काफ़ी डिमांड आ रही थी लोग की ना, कि नहीं वो फिर से प्रैंक करो इंस्पेक्टर डॉक्टर के ऊपर, फिर से करो करो करो, तो मैंने आज कर दिया यार, तुम्हारी डिमांड आई थी, सॉरी यार, सॉरी। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इंस्टा पर फॉलो करना विशाल बनारसी, मेरा इंस्टा आईडी है। लव यू ऑल गाइस।